हम सबने तकलीफें सही हैं, कुछ ने ज़्यादा कुछ ने कम। कभी कभी सामाजिक दर्शन की ज्ञाता एक नई हवा का समाधान करने निकल पड़ते हैं। क्या आखिर संवेदना बड़ी है या उसे सहने वाला? पर सच्चाई तो यही है कि अक्सर संवेदना चाहने वालों के आगे बहुत बोनी साबित होती है। एक चाहने वाला सारी दुख और तकलीफ को पूरी उम्र सहता है, परंतु न वो टूटता है न ही बिखरता है, बल्कि दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जाता है। वह कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन की जीती जीत। तो सारा किस्सा ही मान लेने का है। अगर हम आपसे पूछें कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख कौन सा झेला होगा, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, हर किसी के दुख का अपना एक स्तर है। कोई पैसों की कमी से लड़ा होगा, कोई छत और भोजन की कमी से लड़ा होगा, कोई नौकरी न मिलने से परेशान होगा, तो कोई पारिवारिक झमेलों में फंस कर रह गया होगा। इन सब बातों का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, हर किसी को अपने स्तर का दुख हमेशा बड़ा लगता है। पर सवाल ये है कि आप इकलौते हैं जो दुख में हैं? कभी कभी अपने आसपास नज़र घुमाइए और देखिए, आपसे कहीं ज़्यादा दुखी लोग इस धरती पर जी रहे हैं, परंतु उनके अंदर जीने की जिज्ञासा कम नहीं हुई है। आज की ये मोरल स्टोरी एक ऐसे महिला की कहानी है जिसका पूरा जीवन केवल सफलता की मिसाल ही पेश नहीं किया, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में इंसान की क्षमता कितनी है इससे भी परिचित करवाया। मुनीबा मजारी आज पूरी दुनिया में किसी नाम की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में आयरन लेडी के नाम से मशहूर मुनीब का जीवन बहुत ही कठिनाई और मुश्किलों से भरा रहा। जिस उम्र में महिलाएं अपने हाथ की मेहंदी का रंग देखती हैं, उस उम्र में मुनीबा ने तलाक देखा। जिस दुख और तकलीफ को मुनीबा ने सहा, अक्सर आम महिला उस स्टेज पर आके बिखर जाती है। मुनीबा का जन्म 3 मार्च 1987 को एक बलीच परिवार में हुआ था। उनका होम डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान था। मुनीबा ने फाइन आर्ट में स्नातक की उपाधि ली थी। एक महिला का महिला के अधिकार विहीन देश में जन्म लेना और उसके बाद पेंटिंग में स्नातक की उपाधि अपने आप में मुनीबा की जिंदा दिली और रंगों से प्यार को दर्शाता है। मुनीबा का मैरिज लाइफ किसी कड़वे अनुभव से कम नहीं था। उनके शौहर खुर्रम शहजाद से निकाह करने के पश्चात मुनीबा को एक बेटा हुआ। 2007 का वह पहला साल मुनीबा के जीवन का सबसे काला साल था, जब मुनीबा अपने पति के साथ कार से सफर कर रही थी और उनका एक्सीडेंट हो गया। कार पेड़ से टकराकर एक गहरी खड्डी में जा गिरी। गड्ढा गहरा था। पति ने कार चलाने के दौरान एक झपकी ली और कार का बैलेंस बिगड़ गया। पति के एक झपकी ने मुनीबा के दोनों पैर छीन लिए। कार से नियंत्रण खोने के बाद मुनीबा के पति ने कार से छलांग लगा दी और अपनी जान बचाई। उसने मुनीबा को चलती कार में मरने के लिए छोड़ दिया। इसी तरह से मुनीबा को जीप से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब वह गहरी निद्रा के बाद जागी तो उन्हें मालूम चला वो अपना पैर खो चुकी हैं। लगभग 3 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद मुनीबा जब घर आई तो पति उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। उसकी वजह थी उनका अपाहिज होना। लाख विनती के बावजूद उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। लास्ट में उनके हिस्से में एक बेटा और खुद का अपाहिज बनाया। सहारे के लिए वो अपने पिता के घर आई, परंतु उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। मुनीबा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। एक अकेला बच्चा, ना घर, ना छत, ना कुछ साथ देने वाला। पैसे अपाहिज मुनीबा, अब तो व्हीलचेयर ही उनके जीवन का साथी बन चुका था। वह बेहद हताशा और निराशा में डूब गई थी, क्योंकि उनके सहारे एक बच्चा था। घोर निराशा में सारे दिन अपने बाल को नोचती रहती, हाथ पटकती और खूब रोती, खुद को कोसती। ऐसा करते हुए कई माह गुजर गए, पर हालात नहीं बदले। एकमात्र मुनीबा की माँ ही थी जो उनका हौसला बढ़ाती थी, उन्हें हिम्मत देती थी। माँ के दिए हौसले के सहारे मुनीबा ने फिर खड़े होने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि वह पेंटिंग में अपना करियर बनाएंगी। अपने दृढ़ संकल्प और अपनी जीवन इच्छा शक्ति की बदौलत मुनीबा ने पेंटिंग की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया, इज्जत कमाई, शोहरत कमाया। आज मुनीबा किसी जान पहचान की मोहताज नहीं है, वह पूरी दुनिया में विख्यात हो गई हैं। मुनीबा ने कारवा नाम से अपना एक ब्रांड बनाया है। ब्रांड के तहत उन्होंने लोगों को स्लोगन भी दिया है, लिट योर वॉल, बियर द कलर, अर्थात आप अपने घरों को रंगीन बनाएं। मुनीबा अपनी पेंटिंग के लिए इंसानी हाव भाव का इस्तेमाल करती हैं। इंसान की आदतों को, उसके व्यवहार और सामाजिक विश्लेषण का अपनी पेंटिंग के जरिए दर्शन स्थापित करती हैं। बिना किसी बाहरी आवरण के उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सभी तकलीफों को अपनी पेंटिंग के माध्यम से सबको दिखाया है। 2008 में मात्र 18 साल की उम्र में अपने पति से तलाक लेने के बाद विकलांगता के सहारे मुनीबा ने जो असाधारण उपलब्धि हासिल की, शायद ही कोई महिला उस हालात से बाहर निकल पाती। इतनी विकट परिस्थितियों में भी मुनीबा ने हार नहीं मानी और अपनी जीवंत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। अपने प्रतिभा के दम पर उन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की जिनके अपने नाम दर्ज है। वह विश्व की पहली महिला व्हीलचेयर एंकर हैं। वह पाकिस्तान की पहली व्हीलचेयर मॉडलिंग करने वाली महिला हैं। उनसे पहले ये उपलब्धि किसी ने नहीं हासिल किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मुनीबा को पाकिस्तान के
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 2015 में टाइम पत्रिका ने मुनीवा को विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में शामिल किया था। यह उनकी सबसे बड़ी असाधारण उपलब्धि थी। आज मुनीवा 37 साल की हैं। अपनी पेंटिंग, अपनी सकारात्मक विचारों और अपने अनुभव से ऐसे लाखों लोगों से विपत्ति में किस्मत को कुचते हैं और जीना छोड़ देते हैं, उनके लिए एक उम्मीद का काम कर रही हैं। वे कहती हैं, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, उन्हें स्वीकार कीजिए, लड़िए, क्योंकि किस्मत कुछ नहीं होता, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, ये कहानी उन सभी महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है जो टफ सिचुएशन में भी लड़की मिसाल पेश करते हैं। धन्यवाद।